अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है वर्षा और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी अपनी IBPS AFO मेंस की क्लास में। जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बता दीजिए दैट द वॉइस इज ओके एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन वेरी स्मूथली। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिशरी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन विद वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और साथ साथ में जितने स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर क्लास में कनेक्ट कर सकें एंड वी कैन डू अवर डिस्कशंस इन अ वेरी गुड मैनर, राइट। सो हियर वी गो, लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो डेली बेसिस पर आप सभी के पास ये फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे जिनकी हेल्प से आप अपना प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। साथ साथ में गाइस, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 विच इज़ अवर यूट्यूब चैनल, आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशंस जो हैं आप लोगों के पास टाइमली अवेलेबल हो जाए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करने से जो आप यूट्यूब क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली नहीं मिल पाते, जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं, वो आपकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहेगी। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप गाइस, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो क्लासेस नोटिफिकेशंस एंड ऑल सम इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होते रहेगी। एंड दिस इज़ द बैच गाइस जो कि 14th of March से स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ द न्यू कम्प्लीट फाउंडेशन बैच IBPS AFO के लिए एंड दिस इज़ अ मेन्स बैच। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमारे साथ जुड़कर आपको प्रिपरेशन करना है तो गाइस यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, और आप Y344A कोड का यूज़ करके आप इस कम्प्लीट फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं विद मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी। और ये बैच आपको मिल जाएगा Y344A कोड यूज़ करके 2799 रुपीज़ का, ठीक है। सो गाइस, मेक श्योर कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को लेकर इस बैच में एनरोल कर लें और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट कर दें। सो हेयर वी गो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्टली दिस टर्म्स एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ MCQs भी डिस्कस होंगे अबाउट द टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, सो व्हाट इज डायाड्रोमी? डायाड्रोमी क्या होता है? डायाड्रोमी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रोमोस, ड्रोमोस का मतलब होता है रनिंग, ठीक है। ड्रोमोस का मतलब क्या होता है? रनिंग। फिश दैट माइग्रेट बिटवीन सोल्ट एंड फ्रेश वाटर, जो फिशेस सोल्ट एंड फ्रेश वाटर के बीच में डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट माइग्रेट करती हैं, दे ऑल कम्स अंडर, उनको हम जब स्टडी करते हैं तो जो एक ग्रीक वर्ड है जिससे आपका ये कैटा, एना, एम्फी, ये जो वर्ड ड्राइव किए गए हैं ग्रीक वर्ड से ड्राइव किए गए हैं, डायाड्रोम, डायाड्रोमोस, जिसका मतलब होता है रनिंग, ठीक है। तो जनरली हम दो तरह के आपके ड्रोमस पढ़ते हैं, वन इज़ द कैटाड्रोमस, सेकेंड इज़ द एनाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस वर्ड मीन्स कैटा, मैंने इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका बताया हुआ है। कैटाड्रोमस फिशेज़ वो होती हैं जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करती हैं ताकि वो आपका सी वाटर में जाके क्या कर सके, एग ले कर सके, ठीक है। तो कैटाड्रोमस में ग्रीक वर्ड कैट का मतलब होता है डाउन, फिश रन डाउन, फिश फिश नीचे की तरफ जाती है, यानी कि फिश सी वाटर की तरफ जाती हैं, ठीक है, सी वाटर की तरफ जाती है और वहाँ जाके वो क्या करती हैं, एग ले करती हैं। एना रन अप, जब फिशेज जो हैं आपका ओशियन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, इसको याद करने का तरीका है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। एनाड्रोमस में सी से फ्रेश वाटर की तरफ फिशेज का माइग्रेशन होता है,
कैटाड्रोमस फिशेस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, कैटाड्रोमस ज़्यादातर अपना जीवन स्पेंड करते हैं फ्रेश वाटर में, लेकिन जब भी इनको एग लेइंग का समय आता है ये चले जाते हैं आपका सी वाटर में, ठीक है। तो इनका लाइफ साइकिल ऐसा होता है, फ्रेश वाटर में रिजाइड करा, कम्प्लीटली ग्रो किया, एस्चुरीज यानी कि दैट पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे आपका संगम, जहाँ पे आपका सॉल्ट वाटर एंड मरीन वाटर सी वाटर का समवट मिक्सचर अवेलेबल है, एंड व्हेन दे नीड टू ए ले एग तो वो मरीन इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं एंड देयर दे ले एग, और उस तरह से वो एग लेइंग के बाद फिर से मेन आपका फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ कैटाड्रोमस फिशेस रन। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द एनाड्रोमस फिशेस लाइक सैल्मोन हो गया, स्टोर्जियन हो गया, इन फिशेस में क्या होता है, दे जनरली प्रेफर टू लीव इन, ठीक है, ये आपका प्रेफर करती हैं अपना लाइफ स्पेंड करती हैं सॉल्ट वाटर में, बट वेन एवर दे इज अ टाइम टू ले एग या फिर इनको न्यू स्पीशीज को बोर्न करना है तो ये जाती हैं फ्रेश वाटर में। देखो अब आपको ये डेफिनेशन में एक डाउट होगा, आई अंडरस्टैंड, एनाड्रोमस इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब फिश बोर्न इन फ्रेश वाटर, फिशेज ने फ्रेश वाटर में बोर्न किया, वो स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन सॉल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर में अपने जीवन का अधिकतर समय बिताया और फिर से वो फ्रेश वाटर में चली गई हैं एग ले करने के लिए। जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो सिंपली मूव टू द फ्रेश वाटर, ठीक है, तो दे ऑल कम्स अंडर द एनाड्रोमस फिशेज, ठीक है भाई। आगे हम लोग बात करते हैं, सो बेसिकली इसी तरह से आपके ये तीन हो गए हैं, मैं आप लोग के सामने और क्वेश्चंस भी रख लूँ, तो जो स्टूडेंट्स बाद में क्लासेस को देखेंगे यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस, ओशिनोड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं और पोटामोड्रोमस फिशेस कौन सी होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको तीन यहाँ पर बता दी हैं, अब तीसरा कौन सा है, तीसरा एम्फीड्रोमस है। एम्फीड्रोमस फिशेस पता है क्या, ये अपना लाइफ के किसी भी टाइम पर जब इनको मन करता है पानी, नमक पानी में रहना है, जब इनको मन करता है ताजे पानी में रहता है, ये माइग्रेट कर सकते हैं। एम्फी मीन्स डूअल, एम्फी मीन्स डूअल, ये आपका फ्रेश वाटर में भी रिजाइड कर सकती हैं, मेरीन वाटर में भी डिसाइड कर सकते हैं, एंड ये जो इनका रहना है ये इनके स्पॉनिंग पर यानी कि एग लेइंग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये इनके स्पॉनिंग पे और एग लेइंग पे डिपेंड नहीं करता है। एनाड्रोमस फिशेस के एग्जांपल है सैल्मोन, ट्रोट्स और लेम्फ्रे। कैटाड्रोमस फिशेस के एग्जांपल है ईल्स, मोल्डेड्स, वाइट बेट और फ्लॉन्डर। और एम्फीड्रोमस फिशेस के एग्जांपल है कुछ बुलीज इसमें आ जाते हैं, कुछ वाइट बेट्स इसमें आ जाती हैं, और इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में गाइस जब हम इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज करेंगे ड्यूरिंग द बैच सेशंस तब हम इसको और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशंस। एज वी नो लेम्फ्रे इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ द फिशेज, अभी हमने पढ़ा भी है, एंड लेम्फ्रे इज एन एनाड्रोमस फिश। कैसे फिश है लेम्फ्रे, आपके एक एनाड्रोमस फिश है लेम्फ्रे, आपकी एक एनाड्रोमस फिश है, ओके। आपसे पूछा गया है कि इसका जो इसमें लार्वी स्टेज होती है मीन्स टू से लेम्फ्रे में इन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एग ले करेंगे वाटर बॉडीज पे यानी कि इसमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यू हैव टू टेल लार्वा जो होता है लेम्फ्रेज का उसको क्या कहा जाता है, देयर इज अ सर्टेन टर्म, ठीक है, जो आपका लेम्फ्रेज है उनके लार्वा को हम एक सर्टेन टर्म से बताते हैं तो उस टर्म को क्या कहेंगे बताओ। आंसर गाइस बी क्विक, एमोसीट, ट्रोकोपोर, टेडपोल और टोनेरिया। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज इसको कहा जाता है ओमोसीट, ठीक है, लैम्फ्रे के लार्वे को ओमोसीट कहा जाता है, क्लियर। अगला है कार्टिलेजिनस फिशेस, इनमें से कौन सा जो है सेकेंड नेम है कार्टिलेजिनस फिशेस का। सो बेसिकली अगर हम फिलहाल के समय में बात करते हैं सो वन पर्टिकुलर कैटेगरी अंडर द फिशेस आर कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, दे आर मतलब बहुत ही कम एविडेंसेस हैं, इफ़ देयर आर, अदरवाइज एविडेंसेस भी नहीं अवेलेबल हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिशेस। वहीं पर जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और आपके जो बॉनी फिशेज हैं दे आर तो कॉमनली फाउंड फिशेज, ज़्यादातर फिशेज को इन दोनों कैटेगरीज में ही डिवाइड किया गया है। सो
साइक्लोस्टोम्स आपका डिफरेंट है, विच आर कम्स अंडर द जॉलेस फिशेस। जो आपके साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो आपके जॉलेस फिशेस होते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स आपके जॉलेस फिशेस होते हैं। एक सेकेंड यार, बैटरी लो दिखा रहा है। वेट वेट, हाँ जी। सो कार्टिलेजिनस फिशेस, साइक्लोस्टोम्स आपके जॉलेस फिशेस होती हैं, ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिशेस का सेकेंड नेम है कॉन्ड्रियोसाइथिस फिशेस। ये हैं आपके एक्सटेंट एकैंथोडियंस, आपके एक्सटेंट हो चुके हैं। प्लैकोडम्स में प्लैकोइड स्केल्स होते हैं। डन, स्किन देखो ऐसे करके नाम बन गया। एकांथोडियंस आपके एक्सटेंट हो चुकी हैं। ऑस्टियोसाइटिस आपकी बोनी फिशेस होती है, ठीक है। प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, कौन से फिशेस के अंदर प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? दो तरह के जनरली स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस की बॉडी पर। एक आपके प्लेकोइड स्केल्स होते हैं और एक आपके साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेकोइड स्केल्स आपके ट्रायंगुलर स्केल्स होते हैं फिशेस के स्किन पर, जो इस ऐसे ट्रायंगुलर शेप में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक आपके साइक्लोइड स्केल्स होते हैं जो सर्कुलर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेकोइड स्केल जनरली आपके कौन से फिशेस में प्रेजेंट होते हैं? शार्क्स में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूज फिशेस के अंदर आती हैं शार्क्स आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच फिश ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेट। सो जनरली अडेप्टेशन की जब आप बात करते हैं, ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स ओस्मो रेगुलेटर्स और आपके कोल्ड ब्लडेड जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये एस्केप करने के लिए सर्टेन कंडीशन से अपने आप को बचा कर निकलने के लिए ये कुछ आपके अलग अलग फिनोमिनास को एग्जिबिट करते हैं। ये कुछ अलग अलग फिनोमिनास को एग्जिबिट करते हैं, जिनमें से एक आपका एस्टिवेशन होता है और एक आपका हाइबरनेशन होता है। सो एस्टिवेशन फिनोमिना में व्हाट दे डू, दे स्लिप इन द डे आर्स। और आप कहेंगे कि समर टाइम में दे वेंट ऑन स्लीपिंग, यानी कि इन जो आपका समर सीजन होता है, पूरा समर सीजन में ये सोते रहते हैं, जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द डेंजर और एस्केप फ्रॉम द सिचुएशंस जो कि वहाँ पर प्रिवेल कर रही हैं। वेज अ सेकेंड जो आपका एस्केप मोड है, दैट इज हाइबरनेशन, जिसमें आपका ये ऑर्गेनिजम्स कुछ इनमें से स्पीशीज विंटर स्लिप में चले जाते हैं। विंटर टाइम में अपना सर्वाइव करने के लिए दे जस्ट वेंट ऑन द डोरमेंट स्टेज, तो दैट इज़ योर हाइबरनेशन। तो आपको बताना है कि कौन से फिश है जो एस्टिवेट करती है, यानी कि समर स्लिप में चले जाती है टू एस्केप फ्रॉम द करंट सिनारियो, दैट इज लेपिडोसाइरन, ठीक है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज लेपिडोसाइरन। सम इलास्मो ब्रांच हैव मॉडिफाइड पैल्विक फिन्स फॉर कॉपुलेशंस, उन्हें हम क्या कहेंगे? इलास्मो ब्रांच इज अ टाइप ऑफ फिन फिशेस, है ना, फिन फिशेस का ही टाइप है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, फिशरी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो जनरली फिशरी इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, वन इज द फिन फिशरी एंड सेकेंड इज द शेल फिशरी। सो मैं यहाँ से आपको जो एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि फिशरी शब्द, फिशरी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिशेस के बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम शेल फिशेस, मॉलस्का, क्रस्टेशियंस, ये भी डिस्कस होते हैं। तो फिन फिशेस आर द ट्रू फिशेस, ये आपके ट्रू फिशेस होती हैं, वे शेल फिशेस आर द फॉल्स फिशेस। तो इसके अंदर आपके क्रस्टेशियंस आते हैं प्लस आपके मॉलस्का आते हैं, ठीक है। तो इलास्मो ब्रांच में आपका पैल्विक फिन्स, यानी कि जो पोस्टीरियर एंड पर जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका ये मेनली वर्क करते हैं कॉपुलेशन और मेटिंग पर्पस के लिए। तो बेसिकली आपके ये क्या, इनको हम क्या कहते हैं, इनको आप क्या कहा जाता है? तो दे आर नोन एज क्लास्पर्स, क्लोका,
पेनिस या फिर नन। सो क्लोका वर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करने वाले हैं, दिस इज एंड द मेंबर्स ऑफ द क्लास एम्फीबियंस। ठीक है, फ्रॉग में क्लोका प्रेजेंट होता है, विच इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर देयर एक्सक्रीटिव सिस्टम, फॉर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेयर एज फिशेज में क्लास पाइसेस के मेंबर्स के अंदर आपका क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉपुलेशन के लिए, मेटिंग के टाइम पर जो वर्क करते हैं। लार्ज रोस्ट्रम इज फाउंड ऑन, रोस्ट्रम मतलब एक ढक्कन के जैसा कवर है, एक होल है उसको कवर करने के लिए। आपको बताना है कौन से फिशेस में रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, लैम्फ्रे, शार्क, काइमेराज और पैडल फिशेस। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज पैडल फिशेस। तो पैडल फिशेस हैव दैट लार्ज रोस्ट्रम टू कवर, लिड के जैसे प्रेजेंट होता है ऑन द फिश सरफेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सी वॉटर। इनमें से आपको बताना है कि क्या है जो सी वॉटर से नहीं मिलता है, यानी कि क्या है जो मैरीन फिश नहीं है, मैरीन फिश नहीं है। अगर वो मैरीन फिश नहीं है तो वो क्या है, वो आपकी इनलैंड और फ्रेश वाटर फिश है। हाउज दैट गाइस? कभी कभी यू जस्ट ड्रॉ अ पिक्चर एनिमेटेड, जस्ट मतलब रैंडमली मैंने ये ड्रॉ किया एंड हाउ क्यूट ही इज़ लुकिंग। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स, ओके लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस, एज माइट बी स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस के होते हैं वो यहाँ तक क्लास देखेंगे। आप लोग के लिए फ्रेश मैंने रिकॉर्ड करी है क्लास, ठीक है, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क टू डू, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए नाइट में ही बैठ कर ये क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को कोई मतलब एज सच दिक्कत ना हो, आपके पास क्लास अवेलेबल रह जाए। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ इन भाई साहब तक क्लास को देखा होगा, दे हैव टू कमेंट, उनको क्लास में कमेंट ज़रूर करना है कि अब तक की क्लास उनको कैसी लगी, हाउ इज ही लुकिंग, ये कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको लिखना है क्यूट, स्मार्ट, इनोसेंट, डैशिंग, हैंडसम, हेयर स्टाइल, मतलब स्टर्ड काइंड ऑफ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। सो इनमें से कौन से आपके इनलैंड और फ्रेश वाटर फिश है, शार्क है, कैटला है, मैकरल है या फिर सर्डीन है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज इनमें से कटला, बिकॉज कटला इज अ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, आपको बताना था फ्रेश वाटर फिश इनमें से कौन सी है, तो कटला है, रोहू है, तो दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन फिश। इनमें से कौन सी फिश है जिसको आप मरीन फिश नहीं कहेंगे, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, लैबियो और मैकरल। मरीन फिश नहीं है, यानी कि ये भी आपकी क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। अभी जब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कटला बोला था, कटला के साथ एक और नाम लिया था रोहू, तो रोहू और कटला हमेशा ज़्यादातर साथ में ही पाई जाती है, साथ में इन द सेंस दे और आर द फ्रेश वाटर फिशेज, लेबियो बोले। ठीक है, आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी फिश है दैट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर और ये आपका एडिबल है, कंज्यूम आप इसको कर सकते हो, एंड दैट कम अंडर द कैटेगरी टेलियोस इज ऑल्सो आ फैमिली अंडर द क्लास अंडर द फिशेज। तो आपको बताना है कि कौन सी फिश इसके अंदर इंक्लूड हो गई। ऑप्शंस हैं आपके पास कटला, कटला, हिल्सा, एलिसा, रेज एंड स्केट्स और शार्क्स। तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कटला, कटला। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेरीन फिश। इनमें से कौन सी आपकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेरीन फिश है, द रोहू, द कटला, द हिल्सा, द साइप्रनस। द राइट आंसर इज हिल्सा। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेरीन फिश है वो आपकी हिल्सा है। विच इज प्योरली अ कैप्चर टाइप ऑफ फिशरी। इनमें से कौन सी आपकी प्योरली
प्योरली कैप्चर टाइप ऑफ फिशरी है। ऑप्शंस आर मैरीन फिशरी, इनलैंड फिशरी, कल्चर फिशरी और एक्वा कल्चर। मैरीन कैप्चर टाइप ऑफ फिशरी यानी कि आप इनको हमेशा कैप्चर एक सर्टेन वाटर बॉडी के अंदर कैप्चर करके तभी आप इनको रियर करते हो, मैनेज करते हो, तो दैट कम्स अंडर द मैरीन फिशरी। तो मैरीन फिशरी के बेसिकली दो टाइप है, एक आपकी कैप्चर फिशरी है और एक आपकी कल्चर फिशरी है। ठीक है, तो दिस इज योर कैप्चर टाइप ऑफ फिशरी, मैरीन फिशरी। अगला है कोड लीवर ऑयल इज रिच इन। कोड लीवर ऑयल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है कोड लीवर ऑयल में? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कोड लीवर, मतलब कोड इज अ टाइप ऑफ फिश, उसके जो लीवर से आपको जो ऑयल ऑब्टेन होता है दैट इज रिच इन सर्टेन विटामिंस, और ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज विटामिन ए एंड डी। राइट, तो विटामिन ए एंड डी आपका अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोड लीवर फिश के ऑयल में। इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, 15 मार्च से जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है आप उस बैच में एनरोल कर लीजिए, अगर आपको हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना है Y344A कोड लगाकर। और आज के लेक्चर में जो पहले आपको थियोरी फ्री ये क्वेश्चन कराए हैं आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएंगे। फॉर नाउ आई एम एंडिंग टूडे से।